अस्सलाम वालेकुम, GHN न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ सादिया बतूल। शामिल करते हैं अब तक की अहम खबरें। झावरिया सरगोधा लाख से ज्यादा हेयर ड्रेसर काम कर रहे हैं और उनके पास हजारों की तादाद में लोग रोजगार हासिल करते हैं, मगर हुकूमत ने हर सतह पर हेयर ड्रेसर्स को नज़रअंदाज किया है, जिसका खमियासा हमें भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान का क़याम 1947 ईस्वी में वजूद में आया, जबकि सुलेमानी हेयर ड्रेसर वेलफेयर एसोसिएशन का क़याम 1935 में आया था, मगर उसको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो किसी तरह भी दुरुस्त नहीं। इन ख्याल का इजहार सुलेमानी हेयर ड्रेसर वेलफेयर एसोसिएशन सरगोधा के नामुंतखब अहदेदारान की तकरीब से खताब करते हुए मरकजी सदर अशरफ साबरी, फरीदवान, हाजी शबीर अहमद, हाजी खलील अहमद सज्जाद समेत दीगर ने किया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन एक खानदान की तरह काम कर रही है और उनसे वाबस्ता लोग ना सिर्फ पाकिस्तान से बेरोजगार के खात्मे में मुआवन साबित हो रहे हैं। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि हेयर ड्रेसर एसोसिएशन को सनत का दर्जा देकर उनके मसाइल हल करने के लिए हुकूमत पैकेज का ऐलान करे। बिजली के भारी बिलों, बेजा टैक्स हों दुकानों और सैलून के किराए, मुलाजमीन की तनख्वाहें, ब्यूटिशन के सामान की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र मौजूदा नरखों पर ग्राहकों को सहूलत फराहम करना अब मुश्किल तरीन अमल होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी उजरत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करते हुए हेयर ड्रेसर एसोसिएशन के लिए दीगर सनतों की तरह पैकेजेस का ऐलान करे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हेयर ड्रेसर एक बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद हैं और ये जिस भी हुकूमत का साथ देते हैं वो कामयाब हो जाती है। इस मौके पर जिला भर की 40 रुकनी मजलिस आमला के अलावा नौ मुंतखब अहदेदारान ने हल्फ उठाया और अहद किया कि वह एसोसिएशन को फाल करने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। रिपोर्ट जफर अब्बास, तहसील रिपोर्टर, शाहपुर, झावरियाँ। बरादरी हेयर ड्रेसर बरादरी सरगोधा के तमाम अहदेदारों का और तमाम मेम्बरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा अच्छा खातर तवाजा की प्रोटोकॉल दिया, इस्तकबाल किया। और सरगोधा की जो टीम है ये हमारे मुल्क में जितनी भी हमारी मरकजी तंजीम बनी हुई है उसमें इनका हमेशा कलीदी और अच्छा रोल रहा है। इन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ी है तो हाजी खलील साहब, बाबा रियाज साहब और इसी तरह हाजी शबीर साहब या रियासत साहब या जितने भी इनके दोस्त हैं, मैं उनसे उनको मुबारक अपनी तरफ से, जितने भी आज नौ मुंतखब अहदेदार आए हैं उनको अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और मैं यही इनसे उम्मीद और तवक्का रखता हूं कि ये अपनी असबे सबका रवायात को बरकरार रखते हुए आंदा भी बरदरी के इज्तमाही पेशावराना मसाइल को हल करने के लिए अतल मकदूर कोशिश करेंगे।